सो साढ़े नाल एक होर गैस जुड़ गए हैं जिहड़े कि वाराणसी च एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इन्होंने बैगर्स कारपोरेशन बनाई है, चंदन मिश्रा इन्हों का नाम है, और इन्हों का कहना है कि असी बैगर्स नू एंट्रीप्रियोनियर यानी कि बिजनेसमैन बनावांगे, और टीचा रखा गया कि मार्च 2027 तक जिहड़े बैगर फ्री वाराणसी नू करनगे। प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिटुएंसी है, शायद उत्थे काम ज़्यादा हो रहा, लेकिन देश के बैगर्स जिहड़े आ बहुत ज़्यादा न्यूसेंस जिहड़ी उन्हां दी बन चुकी है। चंदन मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा डेली पोस्ट विच। जी जी नमस्ते मिश्रा साहब, आप पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वाराणसी में, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि जो भिखारी हैं जिन्होंने ये मान ही लिया है कि बहुत इजी है भीख मांगी और उसी से गुजारा करना, और कैसे आप इनको एम्पावर कर रहे हो, कैसे इनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? देखिए, आप कोई भी एक क्लास को जनरलाइज मत कीजिए, जनरलाइज नहीं होता है। सपोज कोई एक चीफ मिनिस्टर जेल चले गए करप्शन करके, कोई एक एमपी जेल चले गए, हम क्या बोल रहे हैं कि सारे पॉलिटिक्स को खत्म कर देना चाहिए, पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो लोग भीख मांग रहे हैं उनमें से भी तीन क्लास है। कुछ लोग रैकेट चला रहे हैं, मैं आपके बात सुन रहा था कि आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि धनी हो गए, ये हो गए, वो लोग भिखारी नहीं है। वो लोग रैकेट जो लोग चला रहे हैं वो अनपढ़ लोग नहीं है, वो हमारे बीच कोई एक चालाक आदमी है जो रैकेट चला रहा है। जो रियली बेगार है, जिसका कोई ना सर पर कोई छत है, ना उसका कोई सहारा है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई बीपीएल कार्ड है, वो है सबसे गरीब से गरीब, अति गरीब है वो लोग। तो इसलिए एक चीज हम सरकार को बोलते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन शुरू हो। जैसे आप सेंसस करते हैं, गरीब का भी, कास्ट का भी, रिलीजन का भी, सबका आप सेंसस करते हैं, तो कौन असल, कौन भिखारी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, उसको लेके एक सर्वे होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और उनको आई कार्ड दिया देना चाहिए। मिश्रा साहब, जिस दिन आप इन लोगों को मिश्रा साहब, सरकार जब बच्चों को गारंटी देती है कि उनको फ्री फूड और एजुकेशन देंगे, फिर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि बैगिंग जो है उनकी भी एक क्लास बना दी है? क्यों नहीं सरकार इस पर इतना 80 करोड़ की बात कर रहे हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन देना है तो इन लोगों को भी दो। ये तो कोई तरीका नहीं, कल को कोई भी इंसान बोलेगा जी लीगल है तो मैं भी भीख मांगता हूँ। इनको तो हमें डिस्करेज करना चाहिए ना, जिस तरह की न्यूसेंस ये रोड्स पे कर रहे हैं जिससे एक्सीडेंट तो होते ही हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई गाड़ी छील के चला जाता है, कोई गाड़ी को स्क्रैच करके चला जाता है, जबरदस्ती आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाती है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं सही बात है। मेरा ये कहना है कि आप बोल रहे हैं कि सरकार कुछ करे, सरकार उनके लिए स्कीम बनाए, 75 साल से स्वाधीनता का 75 साल हम वही सब्सिडी देना, मुफ्त में देना, वो चीज चला के आज हम 4.5 लाख भिखारी, जो ऑफिशियल आंकड़ा के हिसाब के हम पैदा कर चुके हैं भिखारी। और सबसे बड़ा बात है, अब सरकार का बात भूल जाइए, हम जैसे आम आदमी, आप जैसे, मैं जैसे आम आदमी, हम कितना भीख दे रहे हैं जानते हैं? अगर आप बेन एंड कंपनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2022 अगर आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि साल में हम 28,000 करोड़ रुपया हम दान दे रहे हैं, हम जैसे साधारण लोग। और उसके बाद कंपनी और डिफरेंट ये से जो पैसा आ रहा है उसको अगर आप मिला देंगे तो 1,03,000 करोड़ हम दान दे रहे हैं डिफरेंट वे में। ये है हमारा प्राइवेट दान, सरकार का जो है वो तो अलग बात है। आप देखिए, देश को भिखारी मुक्त करने के लिए हमको चाहिए क्या? हार्डली 7 से 8 हजार करोड़ हमको चाहिए, जहां हम 1,03,000 करोड़ साल में दान देते हैं। मिश्रा, अगर एक बार आपसे इस बारे में चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करीब 4.5 लाख भिखारी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पता नहीं कितनी ज़्यादा इनकी गिनती होगी। अजय जग्गा जी, जदों असी गल करते हैं भिखारियों की, हालांकि चंडीगढ़ के भी असी देखिया कि कई कमेटी जिहड़ियां बनाईआं गईआं, असी सरकार नूं हर बार इस दे लई ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार जिहड़ी है वह कुछ नहीं कर रही, फिर आखिर इन्हां दी गिनती जिहड़ी है वह किवें घटेगी? असी देख रहे हैं कि हुण तां माइग्रेट जिहड़े ने वह हो रहे हैं भिखारी, कि राजस्थान दे विच जे पुलिस जे उन्हां ते कोई कार्रवाई करन लगी है चलो तुसीं फिर चंडीगढ़ दा रुख कर लो, तुसीं पंजाब दा रुख कर लो। जी जग्गा जी,
बिल्कुल ठीक गल है जी। ये जिहड़ी गल कर रहे सीगे कि हुणे मैं देख रहा सीगा एक रिपोर्ट उहदे च आया कि उन्होंने 4,13,000 भिखारी आइडेंटिफाई किए है, उहदे चों 61,000 शायद 19 साल तो थले दे हैगे ने। लेकिन एक गल तय है कि कई करोड़ रुपए डेली का दान जाता है। लेकिन प्रश्न वही है कि मैं जिहड़ा कह रहा सी कि असी कमेटी की बनाई, ट्रैप लगाया, आइडेंटिफाई किया स्पॉट जंक्शन सैटरडे शनिदेव वाले, लेकिन अचंभे की गल ये है कि उस दिन उस समय ते एक भी बंदा उत्थे भीख मंगन लई नहीं आया। तो असी ये रिपोर्ट दित्ती कि जी ये मैटर किसे ना किसे थां ते लीक हो गया, जिस करके उन्हां चों कोई बंदा इत्थे नहीं आया। सो ये एक तो सैगमेंट रैकेट का हैगा ही है। तुसी हैरान होवोगे, मैं 25 साल पहले एक बारी शिमले गया, उत्थे एक बंदा माल रोड ते भीख मंग रहा सी, और व्हीलचेयर जी छोटी जी ते, उन्हूं मैं कहा कि यार तू तो देख क्या हो बंदा है, वो कहता जी मैं बिल्कुल चंडीगढ़ों आया, वहाँ गर्मी हो गई थी इसलिए शिमला आ गया। तो मैं क्या भी तुसी किद्दा आ गए इत्थे, कहता वो कोई बात नहीं कंडक्टर को बोल देते हैं, वो बिना टिकट हमें ले आता है, हम 2-3 महीने यहाँ रहते हैं गर्मी गर्मी का, जब यहाँ ठंडी होने लगती है तो नीचे चले जाते हैं। कहना मतलब है कि भी उन्होंने लाइफ स्टाइल बन चुका है। इन्हों बंदियां कई डॉक्टर्स ने भी रोक के पूछा कि यार तू इदा कर गड्डी साफ करन चल मेरी, मैं तेनू 50 रुपये दे देना, कहता नहीं काम नहीं करना हमको। सो दे आर नॉट रेडी टू वर्क, और उत्थे वो ईजी पैसा जिहड़ा इन्हां नू मिलदा है। कई इन्हां च एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर होणगियां, जिहड़े बंदे जेन्युइनली अपनी मजबूरी करके भीख मंगदे ने, लेकिन अदरवाइज चंडीगढ़ दे विच भी जिहड़े बंदे ने या सो कॉल्ड ट्राई सिटी ए आइडेंटिफाइड ने, जे तुसी गौर करोगे 6 महीने तुसी भी इन्हां नू आइडेंटिफाई करन लग जाओगे, और इन्हां दीआं थावां फिक्स है, ਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟਰ ਟੋਨ ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ 80% ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 6-7-10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੀ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।